आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा कि देखिए जैसे 12 वोल्ट का फ़ैन है, 12 वोल्ट डीसी 1.5 एम्पीयर का फ़ैन है, ये आपके देखा कभी कभी जाम चलते हैं, ठीक है, ये जाम चलते हैं तो इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने देखे होंगे ये फ़ैन आमतौर पर आपके जो इन्वर्टर होते हैं उनमें लगे होते हैं, जो और इनकी वजह से कभी कभी जो अगर ये आपके जाम चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपकी चार्जिंग इन्वर्टर में चार्जिंग का फॉल्ट भी आ जाता है। और आपने देखा होगा ये CPU में भी लगे होते हैं, ठीक है, और CPU में अगर ये जाम चल रहे हैं लगे होते हैं, अरे ये जाम चलने लगते हैं तो आपका CPU भी हैंग होने लगता है, ठीक है। तो इसे आप ये अगर ये जाम चल रहे हैं तो आप इसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। देखिए ये आपका सर्किट है, मैंने इसमें 12 वोल्ट का सर्किट बना रखा है, इसमें आपकी वोल्टेज है और ये मैं आपको इसे चला के दिखा रखा हूँ। ये आपका वाइट आपका प्लस हो गया, ये मैं प्लस मैंने जोड़ दिया इसमें, ठीक है, और ये आपका निगेटिव है। ये देखिएगा अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो ये आपका फ़ैन जो है बहुत जाम चल रहा है, जबकि 12 वोल्ट या 15 वोल्ट में आपको बहुत तेज़ चलना चाहिए था आपका फ़ैन। अगर इस तरह का फ़ैन आपका ये जाम हो जाता है तो आप इस फ़ैन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको इस जाम फ़ैन को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिएगा पीछे आपकी स्लिप लकड़ी होगी, ये इसे आप उतार दीजिएगा, ये उतार कर आप इसे अलग रख दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ देखिएगा यहाँ एक किस्म की वाशर लगा होगा, ये आपका जो है ये वाशर लगाओ, इसे आप वाशर को पहले निकाल लीजिएगा ठीक से ध्यान से, इस तरह से आप कर इस तरह से आपका ये वाशर है और ये वाशर आप निकाल लीजिएगा, इसे ध्यान से रखिएगा क्योंकि आपको बाद में लगाना पड़ेगा। अब ये इसके बाद जो है आप इसे इस तरह से ये देखिएगा ये उसे आप इसे दबा दीजिएगा तो ये फ़ैन आपका ये इधर से ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसे ठीक करने के लिए, देखिए आप देखिएगा इसमें ये आपका ये इधर जो रॉड है इसमें ये कितना कार्बन जमा है, आपको क्या करना कार्बन जमा है ये रॉड है या ना है तो इसमें कितना कार्बन जमा, आपको क्या करना है कि आपके पास अगर कॉटन हो या कोई कपड़ा हो तो इसे आप क्या करते हैं इसे साफ कर लीजिएगा। देखिए मैं कॉटन से है ना इसे साफ़ कर देता हूँ ठीक प्रकार से, ये देखिए कितनी डस्ट निकली है कितनी इसमें वो है, ऐसे ही आप इसे अच्छी तरह से पहले साफ कर दीजिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जो ऑयल पड़ा होता है ना उससे इसमें चिकनाई ज़्यादा बन जाती है जिससे ये जाम हो जाता है, तो उस चिकनाई को आप साफ़ कर दीजिएगा। ये आपकी इसे ठीक तरह से साफ करना है आपको, ठीक है, ये देखिएगा कितनी बनी कर ली है आपको, ये इसे इस तरह ठीक प्रकार से आप साफ़ कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ये देखिएगा ये आपका साफ़ हो गया, ठीक है। अब क्या है अब इसमें देखिएगा ये इसके अंदर जो रॉड होती है ना, ठीक है, तो इसमें भी यहाँ आपका कार्बन होगा ये, इसलिए इसे भी आप क्या करते हैं इसे रुई से इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिएगा इसे ठीक से, ये और इधर से भी आप ऐसे साफ कर लीजिएगा, ताकि इसके अंदर जो ऑयल होता है वो जम जाता है ना तो इससे कार्बन जम जाता है और वो चिकनाई ज़्यादा हो जाती है तो जिससे वो जम जाता है और अपना पंखा आपका पंखा जाम सा चलने लगता है। अब क्या करना है आपको कि जैसे आपने ये फ़ैन निकाला था वैसे ही आप इसे ठीक से बैठा दीजिएगा, ये इस रॉड में डालिएगा, ये देखिएगा वैसे भी आपका ये कितना फ्री से चल रहा है, ठीक है, और ये लगाने के बाद आप ये जो आपका वाशर है ये वाशर आप इसमें लगा दीजिएगा, इस तरह से इस वाशर को आप इसमें बैठा दीजिएगा, इस तरीके से आप वाशर को इसे फिट कर दीजिएगा ताकि आपका ये फ़ैन है ये आपका ये इधर नीचे को ना निकल सके, ठीक है। अब एक काम देखेंगे आप वैसे ही घुमा के देखते हो तो कितना रफ चल रहा है आपका ये कितना, ठीक है। अब मैं उसको आपको DC वैसे चला के भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए अभी से हम चेक कर लेते हैं, ये अभी इसमें करंट दे रहा हूँ, ये आपका वाइट आपका पॉजिटिव है,
ठीक है। और ये आपका निगेटिव है, ये निगेटिव आप जोड़ दीजिएगा इससे। ये देखिएगा आपका फ़ैन चल गया है, देखिएगा अब आपका फ़ैन सही चल रहा है ना। तो इस प्रकार अपने फ़ैन आपको इस घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है।